मांग है ग्रेड पे, कोई सैलरी की ऐसे नहीं है कितने रुपए करे, नहीं, निश्चित ग्रेड पे जो है उस वो ग्रेड पे दी जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आगे क्या परमानेंट होंगे? चंदन सिंह जी, परमानेंट के लिए ही तो अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अडॉप्शन की तो लड़ाई नहीं है। अब सरकार कैसे करेगी, ये सरकार का काम है। अपनी डिमांड इतनी सी है कि हम परमानेंट हो, एक ग्रेड पे परमानेंट हो, जिसमें जो राजकीय कर्मचारी को जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो सभी सुविधाएं हमारे 1,10,279 या इससे ज्यादा जो संख्या होती है उन साथियों को मिले, मीडिया कर्मियों को। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया कर्मी के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और शादाब अहमद भाई, मैंने एक बार बता दिया ना, अभी फाइल अपनी सीएम साहब के पास है, एक का भी नियमितीकरण अगर होगा तो सभी का होगा, एक का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। सुखराम चौधरी साहब, आंदोलन कैसे किए जाते हैं? आंदोलन बंद कब किया था हमने? कब शुरू किया था और बंद कब किया है? विधानसभा 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 का घेराव या विधायकों का घेराव, अपन ने अपनी बात जिस स्तर पे पहुंचानी थी, आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात नहीं पहुंची? क्या राहुल गांधी जी तक अपनी बात नहीं पहुंची? क्या प्रियंका गांधी जी तक अपनी बात नहीं पहुंची? क्या अन्य जो लोग हैं जैसे नीरज डांगी जी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, जितने विधायक हैं, सभी की बात पास अपनी बात पहुंची है। और हम हफ्ते में कम से कम 2 दिन जयपुर निकालते हैं, अपनी संघर्ष समिति जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के लोग हैं वो पहुंचते हैं। मैं आपसे इतना जरूर कहता हूं कि जब कभी संगठन की तरफ से आपको आह्वान किया जाए कि फला दिन आपको वहां उपस्थित होना है, 1,10,000 की संख्या आपकी है, आपका परिवार है, आपके साथी हैं, आप उनको लेके आए तो अलग बात है, लेकिन आप स्वयं 1,10,000 लोग तो आ जाए। मैं आपको एक बात और जोरदार बताता हूं कि कुछ साथी ये कहते हैं, हाँ प्रभु जी, सुरक्षित होने के लिए तो लड़ रहे हैं ना मुकेश जी, मैं जो बात कर रहा था वो सुनिए। अभी तो जब आपको संगठन आह्वान करे कि फला जगह पर आपको उपस्थित होना है, आप चाहे डीपीएम है, आप चाहे जेटीओ है, आप चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप चाहे राजीव गांधी पैरा टीचर हैं, आप चाहे मदरसा पैरा टीचर हैं, आप चाहे पंचायत सहायक हैं, आप चाहे और कोई लोग हैं, चाहे राजीविका से है, चाहे एनएचएम से है, शिक्षा कर्मी है, कोई भी है, आप सब लोग कम से कम एक साथी को लेकर के वहां पहुंचे। जब हम सब एक साथ हो जाएंगे, 1 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है। अभी अपन ने 24 तारीख को जो प्रोग्राम किया था उसमें तकरीबन 24 से 25 हजार लोगों की संख्या अपन मानते हैं, यानी अपनी कितनी संख्या ही 1/4 आने कितनी चाहिए थी, 200% आनी चाहिए थी, 200% आई कितनी, 1/4। ऐसे नहीं होता है मेरे साथियों, लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ती है। मेरा टीचर्स की नवीन पाठशाला साहित्य सर्जित प्रशिक्षक की गिरमाव ठेस लगी है, खुलासा करें। शंकरलाल जी, जब पैरा टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ था उस समय के नियम और आदेश अलग थे, आपने शायद जो वसुंधरा जी के समय में प्रबोधक भर्ती हुई थी वो फाइल नहीं देखी, हम भी इस बात पे अड़े थे कि प्रबोधक बनाया जाए, लेकिन वसुंधरा जी जब गई थी 2008 में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उस फाइल को क्लोज किया था कि ये पद डेड पद है,
और इस इन पदों पर आगे कोई भर्ती नहीं की जाएगी। इसलिए सरकार, फिर उसके बाद आ गया आरटीई। आरटीई में टीचर लगने के लिए जरूरी क्या हो गया, रीट या टेट। इसलिए सरकार ने रास्ता निकाला है कि आपको एक ग्रेड पे देकर के नियमित किया जाए। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि ये किया है वो किया है। आप सभी के संघर्ष को सलाम। हाँ सदाब भाई, सदाब भाई बोल दिया आपका नाम, जालोर से हैं आप। मैं बात कर रहा था संगठन की। संगठन किसी एक कैडर से या एक व्यक्ति से नहीं चलता है। संगठन के सब लोग, एक एक बंदा महत्वपूर्ण है और एक एक बंदा लड़ाई करता है जीतता है। मेरे कुछ साथी कई बार कहते हैं हमने वहां धरना दिया, हम वहां गए। मैं एक बात बता देता हूँ साथियों कि जब आप धरने में गए तो किसके लिए गए, या आप रैली में गए किसके लिए गए? क्या ये किसी के ऊपर अवसान कर रहे हैं आप कि आप धरने में गए? जो टीम आपके लिए लड़ रही है, जो कमेटी आपके लिए लड़ रही है, चाहे वो कोर कमेटी है, चाहे वो संघर्ष समिति है, चाहे वो मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, वो सभी किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए आपको बुला रहे हैं? ये आप लोगों के लिए बुला रहे हैं। आप अगर घर बैठे रहेंगे तो लड़ाई उतनी ही दूर की कौड़ी होगी। संभव है कि कुछ दिनों बाद आपको जयपुर की गलियों में या अपने जिला हेडक्वार्टर पर उन्हें बैठना पड़ जाए। इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि हमने संघर्ष बंद कर दिया है। नहीं, हमारा संघर्ष तब तक चालू रहेगा जब तक हमारे सभी साथी नियमित नहीं हो जाते। स्पष्ट रूप से अपना एक ही मत है कि हमारा संघर्ष तब तक चालू रहेगा जब तक हमारे सभी साथी नियमित नहीं हो जाते। दो लोगों की, दो तरीके के लोगों की अपन बात नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से मैं कह देता हूं, एक जो संतान का मामला है, दो जिन पर मुकदमे या अन्य कोई अपराधी केस है। जो लोग अभी कार्यरत हैं उनके लिए ये माना जाता है कि वो उन पर किसी प्रकार का मुकदमा या कोई सजा नहीं है, इसलिए वो कार्यरत हैं। संतान संबंधी आपको पता है कि आपको मात्र एक सफेद कागज पर लिख के देना है कि मेरे अधिक संतान नहीं है, मेरे दो से अधिक संतान नहीं है। इसलिए आप जो भी लिखे वो सोच समझ के लिखे। 15 दिन से नहीं है भाई, फाइल है 27 तारीख से। 27 तारीख से कितने, 13 दिन हो गए। और 13 दिन में एक दिन भी सीएम साहब है वो सीएमआर में नहीं बैठे हैं। आपको इस बात का पता होगा, कल सीएम साहब शायद आपके सवाई माधोपुर आ रहे हैं और आपके पास एमडी खान साहब